हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हमारे पास आया है आई गेट लीजेंड ब्लैकबेरी आइस फ्लेवर है। तो ये किसी कस्टमर का है जो कि बैटरी डेड हो गई है, फ्लेवर भी शायद इसमें ख़त्म ही है, बाकी हम चेक कर लेंगे फ्लेवर ख़त्म है कि नहीं है। लेकिन जो कस्टमर है उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इसको ओपन करने की, तो उन्होंने ऊपर का तो पार्ट ये ओपन कर दिया है, इसके अंदर आपको ये मिल जाता है, बट नीचे का पार्ट जो है वो नहीं खोल रहा है। और नीचे का पार्ट जब तक नहीं खुलेगा तब तक हम चार्ज नहीं कर पाएंगे इसकी बैटरी। तो ये बैटरी इसकी ब्लिंक कर रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसकी बैटरी ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब बैटरी चार्ज ख़त्म हो गई है। वैसे तो मोस्टली होता क्या है कि जब ये 4000 पफ या 4000 से ज़्यादा ही पफ होते हैं इसमें, जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये बैटरी जो है उसके बाद ही ख़त्म होती है। बाकी हम देख लेते हैं, इसमें फ्लेवर तो वैसे ख़त्म लग रहा है, बाकी फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो गाइस, नीचे का पार्ट खोलने के लिए हम नेल कटर यूज़ कर रहे हैं। इसको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पर फंसा देना है और इसको ऐसे करके ही खुलेगा, ठीक है गाइस। तो ये खुल गया है। होता क्या है कि ना, ये गम से चिपका होता है, देखिए आपको दिख रही होगी यहाँ पर, गम से चिपका होता है, निकालना इतना आसान नहीं होता है, बट आप ज़ोर से फंसाएंगे और उसको निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो गाइस, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट, इसका भी सेम वैसा ही होता है, आप इसे फूंक मारेंगे तो ये लाइट इसकी ब्लिंक करती है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट इसका सेम होता है। अब हम इसको पुश मारेंगे यहाँ से और यहाँ से इसकी बैटरी बाहर निकाल लेंगे। तो इसकी बैटरी भी सेम है गाइस, देखिए बैटरी भी सेम है इसकी, सब कुछ सेम है इसका। जो हमारे डिस्पोजल वेप होते हैं सारे एक जैसे ही होते हैं, बट आई गेट का जो किंग है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये सारे सेम है, ठीक है। तो ये जो है, अब हमें क्या करना है, इसको चार्ज करना है। तो चार्जिंग का हमने आपको सिस्टम बताया था कि कैसे करना है। तो हमारे पास चार्जिंग के लिए जो है ये चार्जर है, इसी चार्जर से हमें इसे चार्ज करना है। तो पहले मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको चार्जिंग पर लगा के देखते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो गैस, ये मैंने इसके पॉइंट जो है जोड़ दिए हैं दोनों तरफ, नेगेटिव और पॉजिटिव, बहुत मुश्किल से जोड़े हैं क्योंकि इसकी बैटरी का साइज़ जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, तो मुझे इसके बाहर का कवर निकालना पड़ा, जो कि ये कवर है जो ब्लैक ब्लैक से लगा था, ये निकालना पड़ा। उसके बाद जाके मैंने ये लगाया और इसकी वायर भी देखी, मैंने यहाँ से बाहर से निकाली है चार्जर। ये चार्जर अंदर से ही है, ये चार्जर जो है मैंने बाहर से निकाला है। तो यहाँ पर रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड हो गए हैं प्रॉपरली। तो गाइस, अब इसको चार्जिंग पर लगाते हैं और देखते हैं कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस, हमने चार्जिंग पे लगा लिया है, अभी चार्ज हो रहा है, ये देखिए ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर इसको चार्ज करके कि ये वेप चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर बाद में स्मोक देखते हैं, फिर आपको फ्लेवर के बारे में बताते हैं। तो ये हमने चार्ज कर लिया, अब जैसे हमने रखा निकाला था वैसे ही इसको इसके अंदर डाल देंगे हम। सबसे पहले ये वाला पार्ट अंदर डालना है, पार्ट को अंदर डाल दिए, और ये वाला पार्ट भी अंदर जाएगा, पूरा नीचे तक यहाँ तक ही आना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये वाली, ये पहले निकाल दीजिए, इस कैप को दोबारा इसके ऊपर लगा देनी है। तो ये हमारा फिट हो गया, तो ये हो गया चार्ज हो गया है। तो वैसे ये चार्ज हो गया है, इसके ऊपर क्या है कि हम इसके ऊपर ये भी दोबारा लगा देते हैं, बेल्ट लगा दिया इसको हमने, इसके ऊपर फिट कर दिया है। और देखते हैं स्मोक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गैस बिल्कुल ठीक हो गया है, देखिए आपके सामने है, ये वेप चलने लग गया है। बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही स्मोक आ रहा है, अच्छा है, अभी फ्लेवर ख़राब नहीं हुआ इसका। तो गाइज, ये बिल्कुल ठीक हो गया है। कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये गाइज बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप दोबारा देख लीजिए। थैंक यू।
थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।